हेलो आई एम सिटी दिस इज विकास कुमार वेलकम टू सी रेनली तो लास्ट मॉड्यूल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशंस की मॉड्यूल नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस प्लेलिस्ट की लिंक है वहां पर आपको काफी सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड मैंने वही लेक्चर्स कंडक्ट किया है जो मोस्टली अलवेज एंड फ्रीकवेंटली थ्योरी होते हैं न्यूमरिकल्स होते हैं एंड मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अगर आप आई एम यू सी की प्रिपरेशन कर रहे हो इफ स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक लेवल हाई रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो अगर आप सीरेली की रेगुलर स्टूडेंट हो तो यह आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा मैं कैसे लेक्चर्स ले रहा हूं मेरी स्ट्रेटेजी क्या है तो अगेन अब मैं सेकेंड मॉड्यूल में मूव करूंगा और मैं फिर से बोल रहा हूं जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड की जा रही है जो मेरी लास्ट मॉड्यूल थी सिंपल हार्मोनिक मोशंस मैंने काफी सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको प्रैक्टिस करवाए हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से थ्योरी आपको बताई है प्लीज उसकी आप नोट्स बनाओ क्वेश्चन सेट्स मैंने करवाया है वो क्वेश्चन सोल्व करो सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफर करो और सोल्व करो एंड मार्क माय वर्ड यही क्वेश्चंस आईएमयू एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम से पूछे जाएंगे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बट ऑलवेज रिमेंबर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है नाउ मूव टू आवर सेकेंड मॉड्यूल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लियर दिस इज आवर सेकेंड मॉड्यूल अब अगेन मैं फिर से बोलूंगा आई होप आपको मेरी स्ट्रेटेजी पता चल गई होगी कैसे मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक्स में जाता हूं बेसिक्स थियोरी पे जाता हूं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करता हूं थ्योरी की लेवल इंक्रीज होगी पैरलि न्यूमरिकल्स की लेवल भी इंक्रीज होगी तो आज की लेक्चर्स बहुत ही बेसिक्स होने वाली है बच्चों आज हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर एंड इसकी बहुत ही बेसिक्स लेक्चर्स आज लूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड कोफिशियंट्स पे बात करेंगे तो यहां पर मैं आपको कुछ से समझाने वाला हूं आज बहुत ही बेसिक समझाऊंगा एटम्स एंड स्ट्रक्चर्स पे हम बातें करेंगे आज की लेक्चर्स में तो सबसे पहले आप देखो सपोज ये मैं एक गोल्ड एग्जाम्पल लेता हूं दिस इज गोल्ड ठीक है गोल्ड। अब मैं क्या करूंगा जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो इसमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे येटिंग और नॉट केमिस्ट्री में पढ़े हो ना ये क्या है कम प्रॉपर्टीज होगी ना इसमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो सपोज जब इससे मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ये 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 एटम्स 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 बट आपको ऐसा अभी दिख रहा है एक्चुअली में ये एटम्स जो होते हैं ना ये इसकी मूवमेंट होती है है ना ये मूवमेंट कुछ मोशंस में होते हैं बट यहां पर आपको स्टेशनरी शो किया गया है क्लियर तो सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं ये दो एटम है क्लियर तो ये दो एटम है तब ये जो एटम है ना ये दोनों मूव कर रहे हैं तो मूव कर रहे तो इसकी कुछ एवरेज डिस्टेंस मेंटेन होगी गेटिंग और नॉट समटाइम्स सपोज ये आप देखो क्लियर सपोज मैं ये दोनों की एग्जांपल ले रहा हूं सपोज एट टाइम टी वन एट टाइम टी वन इसकी डिस्टेंस डी होगी एट टाइम टी टू इसकी डिस्टेंस डी टू डी टू होगी गेटिंग और नॉट एट टाइम टी थ्री इसकी डिस्टेंस डी थ्री होगी तो एवरेज एक एवरेज डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहा है ठीक है दो एटम्स हैं वो मूवमेंट में है मोशन में है नौ अब मैं क्या कर रहा हूं इस गोल्ड को मैं हीट करूंगा इस गोल्ड को मैं क्या करूंगा हीट करूंगा क्लियर इस गोल्ड को मैं हीट कर रहा हूं तो जब आप इसे हीट करोगे तो बच्चों आप देखोगे जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी क्लियर वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है वो इंक्रीज होगी मीन्स वाट अब ये डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये जो मैं बोल सकता हूं कुछ सपोज मैंने बार सेक्शन लिया है या मैंने ये गोल्ड लिया है तो ये क्या होगी इंक्रीज होगी मीन्स वाट ये एक्सपांड कर रही है गेटिंग और नॉट ये एक्सपांड कर रही है तो नो no, तब मैं बोलूंगा जो न्यू पोजिशन होगी सपोज ये एटम ये वाली एटम है एंड दिस एटम गोज टू हियर तो जो अगेन जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम्स है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसी बिहेवियर पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल मीन्स हीट मैंने हीट ऐड किया हीट ऐड किया तो जो डिस्टेंस थी जो दो, दो एटम्स की वो इंक्रीज हो रही है मींस ये टोटल एक्सपांड हो रही है क्लियर क्लियर नोट सपोज मैं एक एक और एग्जांपल आपको देता हूं सपोज <coughs> मैं एक और एग्जाम्पल्स आपको देता हूं सपोज एक और मैंने एक बार सेक्शन लिया क्लियर यहां पर कुछ होल्स हैं क्लियर एटम्स होंगे यहां ये एटम्स हैं ठीक है ठीके? अब मैं इसे हीट कर रहा हूं इसे मैंने हीट किया अब जब इसे मैंने हीट कर रहा हूं तो अब यहां पर क्या होगा एटम्स की जो एवरेज डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ हीटिंग बिकॉज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया नाउ टेल मी ये जो होल है ठीक है इसकी होल की डायमीटर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अब आप मुझे बताओ सिंपल है होल्स में भी कुछ एटम्स हैं यहां पर एक एटम्स होगी यहां पर एक एटम्स होगी क्लियर तो अब ये क्या होगी एटम्स जो होगी ये एक्सपांड करेगी मीन्स एटम्स की जो दो जो डी है डी वन है तब वो ड्यू टू हिटिंग ये d1 वन इंक्रीज होकर डी होगी एंड डी टू मस्ट बी ग्रेटर कुछ आएगी आएगी ये कुछ यहाँ ये एटम कुछ यहाँ तो कुछ ऐसे बनेगी मीन जो होल है ये कुछ ऐसे बनेगी और ये एक्सपांड होगी तो बार कुछ ऐसे पोजिशन पे आएगी तो आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है गेटिंग और नोट ये डायरेक्शन क्या है? इंक्रीज हो रहा है ना ये इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है देखो ये इंक्रीज हो रहा है 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 तो मैंने आपको ये क्यों समझाया मैंने स्टार्टिंग बोला था आज की लेक्चर्स बहुत बेसिक्स होने वाली है आई एम यू सी टी मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक की जाती है कभी कभी ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं आई एम यू सी टी में ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं अब आपको ऑप्शन दे देगा जो ये जो बार है बार जो है वो एक्सपांड करेगी एंड होल कॉन्ट्रैक्ट करेगी फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ये करेगी सेकेंड ऑप्शन एक्सपांड करेगी एंड थर्ड होल एक्सपांड करेगी क्लियर फोर्थ ऑप्शन ये बार जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड होल जो है एक्सपांड करेगी योर राइट ऑप्शन इज थर्ड वन तो इसलिए मैंने ये आपको बताया क्लियर तो आज की ये बहुत ही बेसिक्स लेक्चर्स थी नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं लीनियर कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन पर बात करूंगा आज की लेक्चर्स एटम्स एंड ऑल पे थी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लीनियर कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन पे बात करेंगे एंड उसकी रिलेटेड न्यूमरिकल्स पे बातें करेंगे ठीक है so, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मिलते हैं बच्चों स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड थैंक यू